दोस्तों नमस्कार। आइए कुछ बात करते हैं। आज के ज़माने में आप देखेंगे कि कोई भी खुश नहीं है। क्या आप खुश हैं? नौकरी वाले खुश हैं, बिजनेस वाले खुश हैं, स्टूडेंट खुश है, लेबरर खुश है, आईएएस ऑफिसर खुश है, इंजीनियर खुश है, डॉक्टर खुश है, कोई भी खुश नहीं है। इसका कारण क्या है? जो भी जो काम करता है वो काम को एंजॉय नहीं कर पाता है। उसका मेन चीज है कि हम जो भी काम करते हैं उसको हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम खुश नहीं हैं। अगर हम एंजॉय कर पाते तो हम शायद खुश रहते। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ, दो इंसान पत्थर काट रहे थे, मतलब पत्थर पत्थर में मूर्ति बना रहे थे। ये करीबन धूप का महीना था, जून का महीना था। वो लोग पत्थर तोड़ तोड़ के काट काट के मूर्ति बना रहे हैं। तो एक था जवान और एक था बुढ़ा इंसान। तो कोई देखा कि जो जवान लड़का है वो थक जाता है हमेशा, और जो बुढ़ा है वो गाना वाना गा के एकदम अपना काम करते रहता है। तो उसको समझ में नहीं आया, वो पूछा कि क्या बात है, धूप का महीना है, दोनों काम करते हैं, एक ही काम करते हैं, एक इंसान जवान है फिर भी टायर्ड हो जाता है, खुश नहीं है, एक इंसान 70 साल का बुढ़ा है फिर भी वो खुश रहता है, बात क्या है? फिर सोचा चलिए पूछते हैं। फिर जाके ये पहले जो इंसान था, जवान लड़का था, उसको पूछा कि भाई साहब आप इतना दुखी क्यों हो? तो बोला क्या मेरा नसीब एकदम फटा है, मेरे को देखो ये काम मिला है, ये धूप का महीना है, इतना धूप है फिर भी मेरे को पत्थर तोड़ने का काम मिला है, ये सोच सोच के मेरे को दुख आ जाता है और मैं बहुत टायर्ड हो जाता हूँ। कितना मुश्किल काम है भगवान ने मेरे को दे दिया, पत्थर तोड़ना है, वो भी फिर धूप के महीने में। फिर वो जाके वो बुढ़ा इंसान से पूछता है बाबा आप इतना खुश क्यों हैं? फिर वो बुढ़ा इंसान बोलता है कि बेटा तो नहीं देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मूर्ति बना रहा हूँ, मैं भगवान को अपने हाथों में बना रहा हूँ, ये जब मूर्ति बनेगा मंदिर में लगेगा, बहुत सारे लोग आके मेरे मूर्ति को पूजा करेंगे, मैं भगवान बना रहा हूँ, मूर्ति बना रहा हूँ, तो मैं खुश नहीं रहूँगा? जो जिसने मेरे को बनाया है मैं उसको बना रहा हूँ, इससे और खुशी की बात क्या है? दोस्तों क्या आपको समझ में आया कि जो काम आप कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट क्या है आपको देखना है, तभी आपको खुशी मिलेगा। और अगर आप विजन नहीं देख पाते हैं, एंड रिजल्ट अगर देख नहीं पाते हैं, तो हमेशा आप दुखी ही रहेंगे। तो अपना विजन को बड़ा कीजिए। आप जो भी काम करते हैं किस लिए करते हैं, उसका फायदा क्या है, आगे जाके वो क्या होगा, अगर ये सारा चीज़ अगर आप देख पाते हैं पहले से, जैसे कि बुढ़ा इंसान देखा कि मैं भगवान बना रहा हूँ, विजन था उसका, वो जवान लड़का सोच रहा है मैं पत्थर काट रहा हूँ, काम सेम है लेकिन कोई सोच रहा है मैं पत्थर काट रहा हूँ, कोई सोच रहा है मैं भगवान बना रहा हूँ, तो उसका विजन बड़ा था, इसीलिए उसको खुशी आता था। तो दोस्तों हम जो भी काम करते हैं अपने विजन को बड़ा करें, और अपने काम को हम अगर निरंतर करते जाएंगे तो हम खुश भी रहेंगे और सफलता भी हमको जल्द मिलेगा। ओके थैंक यू फ्रेंड्स। अभी तक अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करना, भूलना मत। ओके थैंक यू।